नमस्कार, मैं आशुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे बैठे हैं, लेकिन दिल्ली में सरकार चलाना चाहते हैं, दिल्ली में मुख्यमंत्री के पद पर बैठना चाहते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री के पद पर आखिर आप कब तक बैठ जाएंगे और कब तक दिल्ली में जेल से बैठकर सरकार चला लेंगे। आपने जो नारा जारी किया था कि जेल से बैठकर सरकार आप चलाएंगे और कहीं ना कहीं जेल का जवाब जो है वो आप वोट से देंगे, लेकिन इस बार दिल्ली के लोकसभा चुनाव में कहीं से कहीं तक भी ये जो नारा है ये सामने आता साबित होता दिखाई नहीं दिया है। मुद्दा भी उठता है कि दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जनवरी से इसकी तैयारियां जो है वो शुरू हो जाएंगी। केंद्र लगातार कोशिश कर रहा है दिल्ली में सरकार बनाने की, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ करने की। लेकिन अगर आप देखें कि दिल्ली 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होता है तो केंद्र की सरकार दिल्ली में भले ही बन जाएगी, लेकिन जिस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से अपना वजूद शुरू करा था, जिस दिल्ली में अपना एक कदम रखा था, उस दिल्ली से आम आदमी पार्टी हाथ धो बैठी। क्या आम आदमी पार्टी की रणनीति इसी प्रकार की है या फिर अरविंद केजरीवाल कोई और रणनीति बनाने में लगे हुए हैं? आपको बता दें कि शराब घोटाले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल लंबे समय से जेल में बंद है। 21 दिन की जमानत उन्हें हाल ही में अंतरिम जमानत उन्हें दी गई थी ताकि वो बाहर आकर लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार कर सके और एक तरह से अपने परिवार के साथ कुछ समय बिता सके। लेकिन 21 दिनों के बाद जब उन्होंने अपनी 7 दिन की याचिका और सुप्रीम कोर्ट में दायर करी और उस याचिका में कहीं ना कहीं ये लिखा था साफ, उस याचिका में कहीं ना कहीं एक ये मुद्दा कहीं ना कहीं उन्होंने उठाया था कि उन्हें अपने स्वास्थ्य का इलाज कराना है और इसी के लिए उन्हें 7 दिन की जो अंतरिम जमानत है उसको बढ़ाना है। लेकिन कोर्ट ने इस बात पर सरासर खारिज कर दी। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। ईडी ने सवाल उठा दिया और ईडी ने तमाम तरह के जो सबूत है वो केजरीवाल के विरोध में पेश कर दिए। केजरीवाल के विरोध में जिस हिसाब से कहीं ना कहीं ईडी लगातार सबूत पेश करने में लगी हुई है, साफ तौर पर नजर आता है कि ईडी ना केवल केजरीवाल को बल्कि आम आदमी पार्टी को भी शायद आरोपी बनाने की कोशिश कर रही है। और जिस हिसाब से ईडी की टीम लगातार अरविंद केजरीवाल के मामले पर, एक तरह से कहें कि अरविंद केजरीवाल के मामले पर लगातार जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस मामले में अभी तक भी केजरीवाल के पक्ष में कोई भी सबूत आता नजर नहीं आया है। अभिषेक मनु सिंघवी लगातार सुनवाई कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी लगातार केजरीवाल के पक्ष में सबूत ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन उनके वकील भी अब मौजूदा स्थिति में हाथ पे हाथ धर कर बैठ चुके हैं, क्योंकि ईडी ऐसे सबूतों को पेश कर रही है लगातार जिन सबूतों के आधार पर अरविंद केजरीवाल की रिहाई आने वाले समय में होनी बेहद मुश्किल है। मुद्दा उठता है 2025 के विधानसभा चुनाव में आखिर अरविंद केजरीवाल क्या भूमिका निभाते नजर आएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ही जेल में हैं, दोनों ही मुख्य चेहरे जेल में हैं। तो आखिर दिल्ली की सरकार कौन चलाएगा, दिल्ली में विधानसभा चुनाव प्रचार का मुख्य चेहरा कौन होगा? अब बात उठ रही है सुनीता केजरीवाल की, सुनीता केजरीवाल जो है आम आदमी पार्टी की कमान संभालती नजर आएंगी, क्योंकि सुनीता केजरीवाल पर किसी भी तरह के घोटाले का कोई भी आरोप नहीं है, परिवार को संभालती अभी तक नजर आई है और हाल ही में जब केजरीवाल जेल में थे तो चुनाव प्रचार भी संभालते नजर आई है, आम आदमी पार्टी की कमान संभालती भी नजर आई है। लेकिन अब दिल्ली जो है कहीं ना कहीं एक ऐसी अस्थायी स्थिति में कहीं ना कहीं फंस चुका है, जल की कमी और कहीं ना कहीं तमाम वो मुद्दे कहीं ना कहीं अब दिल्ली में उठ रहे हैं जिन मुद्दों से दिल्ली की जनता धीरे धीरे परेशान होती जा रही है। और इसके लिए अरविंद केजरीवाल को कोई ऐसा मुख्य कदम उठाना पड़ेगा कि जनता का विश्वास आम आदमी पार्टी से ना उठे। फिलहाल अब आपको क्या लगता है 2025 के विधानसभा चुनाव में आखिर आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्य चेहरा कौन बनेगा? रिहाई अरविंद केजरीवाल की कब हो सकती है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं खड़ा होता है। लगातार उनकी सुनवाई चल रही है। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।